जालसाजी का एक और मामला सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया जो मुंबई में रहकर विदेश में रह रहे भारतीयों को निवेश के नाम पर ठगता था। हमारे संवाददाता ये दिखने में बाहर से एक साधारण सा कॉल सेंटर लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी हकीकत जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये कॉल सेंटर एक ठगी का अड्डा हुआ करता था, जिसका मुंबई क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ कर दिया। के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। जानकारी मिली कि इस कॉल सेंटर से देश के बाहर ठगा जा रहा है। ये लोग एक वेबसाइट के जरिए बॉन्ड और क्रिप्टो करेंसी पर एक वेबसाइट के एड भी दिए थे। वेबसाइट पर एक बार क्लिक करने के बाद फोन किया जाता था और भारी रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसाया जाता था। निवेश की प्रोसेसिंग फीस के नाम पर $200 यानी करीब 16,000 रुपए वसूल लिए जाते थे। दावे में आ जाता तो फिर उससे, लेकिन जब रिटर्न देने की बारी आती तो संबंधित व्यक्ति के नंबर को ही ब्लॉक किया जाता। एक एड करेंसी में, कमोडिटीज में और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उसका इन्वेस्ट करने का मिनिमम अमाउंट रहता था $200। वो $200 उधर भरने के बाद वो बोलते थे कि एक हम और हमारी कंपनी आपको सिक्योरिटी देगी, आप भरेंगे पैसा तो वो पैसा किधर जाएगा नहीं। और जैसे वो पैसा भरते थे उसके बाद वो उसको पैसा बिल्कुल देते नहीं था और बातचीत बंद होता था। ये निवेश करने वाले शख्स के बैंक में थोड़ा, जिससे सामने वाला शख्स ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए तैयार हो। लेकिन मुख्य आरोपी को पहले भी फर्जी कॉल सेंटर चलाने के नाम पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय इन लोगों ने देश के अंदर ही लोगों को चूना लगाया था, को अपना निशाना बनाया। पुलिस ने आम लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि ठगी से बचने के लिए कोई भी निवेश, पुलिस का कहना है कि इसमें अभी और लोगों की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। पुलिस पता लगा रही है कि ठगी से आए हुए विरोधी गतिविधियों में उपयोग तो नहीं कर रहे थे आरोप पर, तो यह काम नहीं हो रहा था। फिलहाल इन लोगों को अदालत ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है। तो तकरीबन एक महीने के अंदर 2,500 से भी ज्यादा लोगों को ये इस तरह से ठगते थे। ठगी की लेयर होती थी ताकि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो दूसरे व्यक्ति को, मुंबई पुलिस ने सजग की और पता किया कि किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा था। कैमरामैन अनिल के साथ सुबोध।